तो दिखा मिसयूज कर रहा है वो मेरा। संजना सबसे पहले तो फिर चिल्ला रही है तू, हमारे पास चिल्लाना नहीं। क्या मजबूरी है तो मैं वही जानना चाहता हूँ ना, क्या लाख रुपए? तो उस भोसड़ी वाले को बोलो ना आ करके ले जाए। साबित क्या करना चाहती है? दिखाना चाहती हूँ ना मैं आखिर है कैसा। सबसे पहले तो चिल्ला मत, चिल्ला मत संजना, है तो हम मार देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कन्हैया सिंह दिल्ली से। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो संजना का ड्रामा जो भी है, उसको हमेशा अपने टीम में एक बच्चे के समान हमने रखा उसको। वो मान सम्मान इज्जत जो भी है हमने कभी उसके अंदर भेदभाव नहीं किया कि वो हमारे टीम में काम करती है या कैसे रहती है कैसे नहीं रहती, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। बस हमने इतना सोचा कि हमारे वो टीम का एक सदस्य है, जैसे घर परिवार का एक सदस्य होता है उसी अंदाज में हमने उसको हमेशा देखा। लेकिन फिर भी पता ना क्या माजरा है उस कंपनी मालिक के लड़के के साथ में उसका। वो 10 लाख रुपए, अगर उसका वीडियो हमने देखा ना कल, इतना गुस्सा आया उसके ऊपर कि पूछिए मत। कहीं ना कहीं उसमें संजना भी इन्वॉल्व है, तभी जाकर के उस लड़के को हिम्मत हो पाया इतना बात बोलने के लिए। इतना उल्टा सीधा नीच घटिया के तरह बात कर रहा था वो, पता ना हमारे दिमाग से तो एकदम बिल्कुल अलग था, एकदम बिल्कुल। इतना नीच कैसे कोई भाषा का इस्तेमाल कर लेता है। संजना को एक बार भी मतलब हमको बताने का उचित नहीं समझा कि हाँ भैया हमारे पापा ने उससे 10 लाख रुपए लिए हैं। हमारी औकात इतनी भी नहीं है कि हम, अगर औकाती तो हम नहीं दे पाते उसको, एक बार बोलना चाहिए ना उसको। बहुत हमको बुरा लगा है वो सब वीडियो देख करके, और उसके बाद भी वो वीडियो चैनल पे डाल रही है। मतलब क्या समझाना चाहती है लोगों को, क्या दिखाना चाहती है वो? या तो हमारे और हमारे टीम को नीचा दिखाना चाहती है, नहीं तो अपने आप को खुद गिरना चाहती है पब्लिक के नज़र में। तो इसी चीज पर बात करने के लिए मैं उसको अभी बुलाया हूँ, आ रही है वो, उसके बाद उससे बात करूँगा, थोड़ा आज ढंग से उसको समझाऊँगा। रहना है तो रह, नहीं तो चला जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस तरह से शान से रहते हैं, इज्जत से रहते हैं, हमने आज तक कभी किसी की नौकरी नहीं की है। 2 रुपये का बिजनेस किया, 2 रुपये काम किया, लेकिन अपना काम करके जिए हम, किसी का नौकर बन के नहीं जिए हम। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने, अगर वो इतना दिन से हमारे टीम में काम कर रही है, तो किसी के यहाँ नौकरी करे हो। आ रही है वो, आए उसके बाद बात करेंगे उससे हम। रहना है तो रह, ढंग से रहे, नहीं तो चले जाए वो। बंद करो भाई। A few moments later. नहीं सर, बता दिया था मैंने उसको, सच में हाफ्ते में आई थी आज मैं। हाँ सच में बताया था। 2 मिनट फोन रखोगी? एक क्या भैया, 1 मिनट फोन रखोगी? 2 मिनट क्यों बुलाया हूँ यहाँ पे तुमको? नहीं नहीं ठीक है सर, करती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको कॉल। मतलब सर ज्यादा आज इम्पोर्टेंट हो गए तुम्हारे लिए क्यों? 1 मिनट कर रही हूँ। बड़ी हो गई हो ना, अब कंपनी में काम कर सकती हो, उस लायक बन गई हो, अब 10-20 हज़ार रुपये कमा सकती हो। लेकिन वो 10-20 हज़ार इज्जत के नहीं, जिल्लत के जिंदगी होगी वहाँ पे। देखा है ना वीडियो में कितना अच्छा था, सुंदर सुंदर लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा था वो। अरे इतना सुनने के बाद तो कोई भी इंसान साला डूब मरेगा। मतलब क्या कमी थी हमारे पास? 10 लाख रुपए हमने कभी उल्टा बोला तुमको? है उल्टा बोला है तुमको? कभी गाली दिया है? कभी सम्मान में कोई कमी रखा है तुमको? भैया 10 लाख रुपए देने हैं मुझे। अरे 10 लाख की ऐसी की तैसी, एक बार बोलना चाहिए ना। जितने बार बोली है पैसा मिला है कि नहीं मिला है? और कितनी बार देंगे भैया? जितने बार मांगेगी उतना बार देंगे, हमारा कर्तव्य है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम इसमें काम करती हो, यहाँ तुम नौकर बन के रहती हो। एक फैमिली, एक मेंबर की तरह हमने तुमको रखा है हमेशा। कभी हमने भेदभाव किया है इस सब चीज में? तो भैया बस अब ठीक है, मैं क्या, क्यों बुलाया आपने बात ना? कभी तुम्हारी मम्मी आई बात करने के लिए, ना तुम आए, क्या बात है, क्या मैटर है ये? आपसे बोला एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। अरे एग्रीमेंट भाड़ में गई, एग्रीमेंट की ऐसी जैसी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट तुम लोग लगा रखे हो, क्या है उसमें, कुछ क्या लिखा है उसमें, क्या रखा है उसमें? तो मुझे दे दो ना मेरा एग्रीमेंट। चिल्ला मत संजना, है तो हम मार देंगे, समझ रही हो ना? लगा देंगे अभी 2 मिनट में हम। भैया हम जिससे प्यार करते ना, उसे नफरत भी बहुत करते हैं हम।
आज तक किसी के पास हमने कभी नौकर बन के जिंदगी नहीं बिताई हमने, दो पैसे का बिताई लेकिन मालिक बन के बिताया, इसीलिए हमने किसी को कभी उस तरह का भेदभाव नहीं करते हम। फिर भी तो हमारा सर एकदम हर जगह से नीचे गिरा रही है, क्या साबित करना चाहती है, मतलब हमको बता ना तू क्या साबित, दिल तो कर रहा है तेरा गर्दन दबा दूं यहीं पे, हैं क्या साबित करना चाहती है लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, उतना नीच नीच भाषा का तू प्रयोग करवाती है उससे, उसके बाद वो वीडियो तू पब्लिश करती है क्यों, क्या वीडियो पब्लिश किसने किया था, तो क्यों किया था, क्या दिखाना चाहिए, क्या साबित क्या करना चाहती है, दिखाना चाहती हूं ना मैं आखिर है क्या। सबसे पहले तो चिल्ला मत हमारे सामने, नीची आवाज में बात करना एकदम बिल्कुल, ऊंची आवाज में नहीं, प्रकाश के ऊपर हाथ उठाने में समय नहीं लगता है हमको, दो मिनट में तो मार क्यों रहे हो भैया, मारेंगे जूता निकाल कर मारेंगे अभी। सर 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 लगा रखिए, सर है इनके, वो आज सर हो गए, इतना दिन से कहाँ सर थे, पापा लिए थे ठीक है, पापा का क्या बिहेव था, क्या उसमें उनका रुतबा था, क्या कैसा था वो, तुम डील करोगी वो बताइए आप मेरे को, क्या बात करनी है आपको, मैं हाफ डे लेकर आई हूँ सर से, हाफ डे या फुल डे, सर की भी ऐसी तैसी करूंगा तुम्हारी भी करूंगा, दिमाग हमारा मत खराब करो तुम लोग। आप क्यों नहीं भूल जाते फिर, बात रही एग्रीमेंट की तो चलो मम्मी के पास कराओ कैंसिल, उसको बोला तुम्हारे सर को चलो साथ में पैसा देते हैं, क्या हम पैसा नहीं दे सकते उसका 10 लाख रुपए, तो जाने के लिए तैयार नहीं है, तुम रूम पे आने के लिए तैयार नहीं हो, क्या मैटर है ये सब, तुमको दिक्कत है उसको 10 लाख रुपए से ना, बोलो उसको उसको हम देंगे ना, आपका देने का क्या हक है, हाँ। हक बताएंगे तो तू नहीं सुन पाएगी, बताइए ना, तो सुनना चाहती हूँ ना मैं भी, हमने इतना एहसान क्यों करोगे मेरे पे, क्या लगती हूँ, हम एहसान नहीं करते हैं बेटा, एहसान नहीं करते हैं, हमने आज तक कभी किसी के पास साला नौकर बन के नहीं जिए हैं, नौकरी नहीं किए हैं किसी का, और ना ही हमने कभी किसी को इस तरह के समझाए किसी से, आज तक कभी तुमको भी नहीं समझाया कि तुम यहाँ नौकरी करती हो, हमने एक फैमिली एक टीम मेंबर के हिसाब से तुमको देखा हमेशा, और तुम जाके दो कौड़ी के साला कंपनी का लड़का से तुम उल्टा सीधा भाषा का प्रयोग करवा रही हो, उसको यूट्यूब पे पब्लिश कर, क्या फैमिली के बीच में हमारा यूट्यूब का जो मेंबर है सब फैमिली ही है ना, उसके बीच में क्या मैसेज जाएगा, क्या समाज जाएगा, क्या सेहत ही जाएगा, मैं भी तो दिखाऊं कैसा है वो बॉस, संजना मेरी मजबूरी है भैया वहाँ काम करना, मैं अपनी मर्जी, क्या मजबूरी है तो मैं वही जानना चाहता हूँ ना, क्या लाख रुपए तू उस भोसड़ी वाले को बोलो ना आ करके ले जाए, कैश तो मैं जेब में ले जाके उसके घर पहुँचाऊंगा नहीं, तुम अपने उस कमीने कुत्ते सर को बुला कर ले आओ, मैं उसको चेक देता हूँ या हमारे साथ बैंक चले, मैं ट्रांसफर करवाऊंगा उसके अकाउंट में पैसे, उसने इतनी धमकियां दी है मेरे को, घर तोड़वा देगा ये करेगा, और कैश ले आकर दे दूँ कल को, फिर बोले कि नहीं हमको पैसे ही नहीं दिए, तो क्या एविडेंस रहेगा हमारे पास, संजना देखो अभी भी बहुत समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है ठीक है, अगर तुमको वहीं नर्क में जाके जीना है तो जियो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जितना हक था कर्तव्य था उतना हमने कोशिश किया तुमको, लेकिन अगर तुम उसी जिंदगी में जीना चाहती हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो, आजाद हो तुम। भैया आपको पता है ना मेरी वजह से इस टीम में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बार बार, फिर भी रखते हो आप मेरे को इस टीम में, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, क्यों भैया किसके पास नहीं है, मेरी वजह से आई, संजना देखो बीते हुए अतीत के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, पीछे क्या बीता आगे क्या बीतने वाला है इसके बाद अभी प्रेजेंट में क्या सोचना है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ज़्यादातर करके, बीते हुए चीज़ पर नहीं किया जाता है, जहाँ चार लोग रहता है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, कभी नीच ऊंच होता है, काम करने आ भी गई तो वो मुझे घर से ले जाएगा फिर उठा के, कौन ले जाएगा, इतनी उसकी माँ दूध नहीं पिला रखी है कि उठा ले जाएगा घर से, 20 साल हो गए हमें भी दिल्ली में रहते हुए, ये बाल जो है ना ऐसे धूप में नहीं सफेद हुए, आना है तो आओ टीम में, घर पे आओ रूम पर काम करो ढंग से, कंपनी कंपनी नहीं जाना है, मम्मी से बात कर लो आप एक बार, तुम बुला कर ले आना मैं तब बात करूंगा, फोन पर नहीं बात करूंगा, बुला कर ले आना घर, मैं रूम पर ही लेकर आऊंगी मम्मी को, अपने उस कमीने सर को भी ले आना, उसको मैं पैसा ट्रांसफर करूंगा यहीं पे, उल्टा सीधा जो मन में आया वो साला बना करके डाल दो, भैया मैंने कोई जान के नहीं बनाया है, मेरे साथ हुआ है वो इंसिडेंट, तू
वो वीडियो तुमको पब्लिश भी नहीं करना चाहिए ना, तुम क्या दिखाए अपने तुम मतलब पब्लिक को, तुम क्या अपने जनता को क्या दिखाना चाहते हो कि देखो मेरी मजबूरी का कितना फायदा उठाया जा रहा है, सीधे इंसानों को जिया जीने थोड़ी दिया जाता है यहाँ पे। एक काम करो, आज से तुम रूम पर आओ और देखो आज भी कैमरा लगाए, इस ये वीडियो भी डाल कर तुम पब्लिक को दिखाओ कि हमने जो किया वो गलत किया, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। कहो यहाँ पे सामने कैमरा लगाए, देखो सामने प्रिंस को बुला करके ले जाइए, ये वीडियो भी तुम डालना पब्लिक को दिखाना कि भैया मतलब आप कैमरा लगा सकते हो, मेरी बेइज्जती कर सकते हो यहाँ बुला के, मैं ना दिखाऊं पब्लिक को कि क्या कर रहा है वो मेरे साथ, तो दिखा मिसयूज़ कर रहा है वो मेरा। संजना सबसे पहले तो फिर चिल्ला रही है तुम हमारे पर, चिल्लाना नहीं समझाया ना, चिल्लाने का नहीं हमारे ऊपर, हर चीज कैमरा पे नहीं दिखाया जाता है, अगर उसमें तुमको गलत बोल रहा है तो तुम उसमें उसको दिखा के तुम क्या सा, उसको गलत साबित, ठीक है वो तो एक साला गलत है ही है, एक वीडियो में थोड़ी हो गलत है, कई वीडियो में गलत है। 5000 काम करते तो देखे ना सारे कि कैसा है उनका सर। वो 5000 बोले उससे तुमको क्या करना है, तुम अपने काम पे फोकस करोगी कि उसके काम पे फोकस करोगी, 4 दिन हुआ नहीं कंपनी में गए हुए, उसके एम्प्लॉय के बारे में तुम इतना सोच रही हो, कंपनी के बारे में इतना सोच रही हो, अपना कुछ नहीं है ये, 2 साल से जो हमने अपना साम्राज्य खड़ा करके रखा है इसका तो कुछ नहीं है। मैं कोई वो नहीं करती, आप लोगों की कोई मदद नहीं करती मैं, काम जहाँ भी करो भैया दिल लगा के करना चाहिए, वो पागल नहीं है जो मेरे पीछे लगा रहेगा। संजना लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, टीम में रहना है काम करना है, मम्मी से बात करो, मैं नहीं कह सकती कुछ, तो मम्मी को बुला कर ले आना घर पे, ठीक है मैं लेकर आऊंगी मम्मी को, एकदम डू एंड डाई फैसला होना चाहिए इसमें, अब ज्यादा घिचर पिचर नहीं होना चाहिए, लेकर आना मम्मी को, साथ में बात करूंगा उनसे, रही बात तुमको अगर तकलीफ है एग्रीमेंट से मैं फाड़ के उसी समय फेंक दूंगा, अगर तुमको नहीं काम करना है तो जाओ ले जाओ, वीडियो डाल देना दिखा देना।